और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि आदरणीय शिवराज सिंह जी का 100 साल का कार्यकाल आपके मुंह में घी शक्कर। हमारे कुशल जनसेवक जिन्होंने इस प्रदेश की विकास और प्रगति के लिए दिन रात एक किया है। मैंने उनका कार्यकाल पिछले 13 साल से देखा है और जो मेहनत मशक्कत उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए की है, इतने परिश्रमी मुख्यमंत्री शायद इस देश में बिरला होंगे जो शिवराज सिंह जी की मेहनत होती है। और आज जो इस कोरोना काल में जो दूसरी बात शेजवलकर साहब ने उठाई, सामान्य तौर पर हर राज्य में सेनापति होता है, ऑफिस सेनापति के कई कमांडर होते हैं और उन कमांडरों की कई सेना होती है, पर मध्य प्रदेश में 23 मार्च को एक ही सेनापति ने शपथ लिया था और वो अकेला मध्य प्रदेश का झंडा को लेकर 100 दिन इस कोरोना का मुकाबला वल्लभ भवन के अंदर और वल्लभ भवन के बाहर 18-18 20-20 घंटे काम करके इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाया। तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने मुख्यमंत्री का हम लोग धन्यवाद करें। जिस कोरोना के वातावरण में और विस्तृत तरीके से शिवराज सिंह जी सुनाएंगे, पर हमारी जोड़ी ने हमें छोड़ दी थी, जिस जोड़ी का मैं संदर्भ दे रहा हूं आप लोग सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक बार भी एक भी कोरोना की मीटिंग नहीं रखी। शिवराज सिंह जी मुझे बता रहे थे कि एक भी मीटिंग नहीं रखी गई इंदौर, ग्वालियर, रीवा, किसी का भी संरक्षण और सर्वे करने के लिए। समय इनके पास इन मीटिंगों के लिए नहीं थी, पर इंदौर में आईफा अवार्ड के लिए समय जरूर था, अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े रहने के लिए समय था, पर हमारे पास एक काबिल सेनापति था जिन्होंने कमान संभाला और इस मध्य प्रदेश जो कोरोना के हॉटस्पॉट पर देश में एक नंबर पर था, आज हमारी कोरोना की पॉजिटिविटी की दर 0.4% तक आ चुकी है और इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो शिवराज सिंह जी की काबिलियत और उनकी क्षमता के आधार पर जाता है। एक तरफ शिवराज सिंह जी हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं, जिन त्रिमूर्ति के संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो करेरा का हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे रीवा का हो, चाहे जबलपुर का हो, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन को जवाब दिया है ईंट का जवाब पत्थर से, आज से उनकी सेना वापस जाने लगी है। मैं यहां श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं कर्नल बाबूजी को, संतोष बाबूजी को, जिन्होंने चीन को ऐसा करारा जवाब दिया, अपनी जीवन की आहुति दी, लेकिन देश में एक ज्वाला की शुरुआत कर दी कि हम घबराएंगे नहीं, हम दोबारा उनको जवाब देंगे। और वही उसी पथ पर हमारे प्रधानमंत्री ने चलकर जो कठोर जवाब दिया है, ले में जाकर सेना की हौसला अफजाई करके, आज चीन अब वापस जा रहा है, तुम दबा के बाहर वापस जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारत का झंडा पूरे विश्व पटल पर फहराया है। आज जो वातावरण मध्य प्रदेश में है, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये चुनाव, जैसे शेजवलकर साहब ने कहा,
ये चुनाव भाजपा का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रदेश का भंडार और प्रदेश की तिजोरी को पूरी तरह से खाली करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा, और एक तरफ वो हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। इस बार चना सरसों के खरीदगी में जहां 1,30,000 क्विंटल मेट्रिक टन गेहूं खरीद कर मध्य प्रदेश को पूरे देश में पंजाब से भी आगे पूरी तरह से खरीदगी में लाकर इन्होंने छोड़ दिया है, एक इतिहास रचा है। और इसलिए ये चुनाव किसानों का चुनाव, ये चुनाव नौजवानों के भविष्य का चुनाव, ये चुनाव महिलाओं के भविष्य का चुनाव, एकजुट होकर इनके झूठों का पर्दाफाश करना होगा, चाहे वो ऋण माफी की योजना का हो, चाहे वो कन्यादान राशि का हो, चाहे वो नौजवान बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो। और जो दल या जो सरकार वादा खिलाफी करेगा उसके विरोध अग्रसर होकर निकलना, मैं तो मानता हूं कि धर्म युद्ध बनता है। तो आज जो जसवंत जी ने कदम उठाया है, अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है और एक ऐसे शक्ति का साथ दिया है मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी और शिवराज सिंह जी के रूप में, जो इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। तो मेरे करेरा के विधानसभा के कार्यकर्ता, एक एक घर में यह संदेश ले जाना, और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं होगा जो आप और हम साधारण रूप से रैली करते हैं। ये पूरा चुनाव ज्यादा से ज्यादा इसके आधार पर चलेगा। तो सोशल मीडिया और आईटी को हमें दुरुस्त करना होगा, और कांग्रेस जो ये लोगों का चरित्र धूमल करने की कोशिश कर रही है, आरोप लगा रही है इन विधायकों पर, मैं तो कहता हूं कि ये सारे विधायक त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। साधारण तौर पर विधायक तो 4 साल बाद अपनी विधायकी को त्याग करने के लिए तैयार होता है जब चुनाव आता है। इन्होंने 1 साल के अंदर त्याग किया है क्योंकि ये सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं, न्याय के रास्ते पे चलना चाहते हैं, विकास के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार का भंडार बनाया, जिस वल्लभ भवन में शिवराज सिंह जी अभी बैठते हैं, उस वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र में बनाया, आज शिवराज सिंह जी ने उसे परिवर्तित किया है, विकास और प्रगति का एक मंदिर दोबारा बनाने की कोशिश की है, लोगों की जान बचाने का मंदिर दोबारा बनाने की कोशिश की है। ये लड़ाई इन मुद्दों की होगी, और सोशल मीडिया को एक्टिवेट करें, पूर्ण रूप से हर पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रभारी बनाएं, और प्रचार होना चाहिए बड़े बड़े मैदानों में नहीं, बड़े बड़े सभाओं में नहीं, प्रचार होना चाहिए घर घर में, प्रचार होना चाहिए चौपाल पर। और मुद्दा यही होना चाहिए, क्या आप लोग मध्य प्रदेश का भविष्य कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के हाथ में देना चाहते हो, और क्या आप लोग मध्य प्रदेश का भविष्य शिवराज सिंह जी, शेजवलकर साहब, नरेंद्र सिंह जी और हम सब के साथ इस जन सेवकों के टोली को विश्वास दिलाना चाहते हो? यही चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब दोनों नदियां मिल चुकी हैं, एक समुद्र बनता है, जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो समुद्र बनता है, तो ये जनसेवकों का समुद्र है, और बाढ़ के रूप में कांग्रेस को पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए तैयार होगी। और 24 के 24 विधानसभा हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था कि 5 उंगलियां अलग होती हैं पर अगर ये साथ हो जाएं तो मुट्ठी बन जाती है, तो ये मुट्ठी एक साथ होकर, जैसे शेजवलकर साहब ने कहा, एक परिवार के रूप में साथ में मिलकर विकास, प्रगति, न्याय और सत्य के रास्ते पे चलने के लिए हमारे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करके मध्य प्रदेश का हम लोग भविष्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय सिंधिया जी। साथियों, हमारे बीच में
एक ऐसे बदले।